कुछ ही दिन पहले एक नया GPU ड्राइवर अपडेट हुआ है, लगभग 3-4 दिनों में। तो आपको डॉल्फिन एमुलेटर की जनरल सेटिंग में जाके नीचे ग्राफिक की सेटिंग मिलेगी, उसमें GPU ड्राइवर आपको सिलेक्ट करना है। क्वालकॉम स्नैपड्रैगन डिवाइसेस में ये वर्क करेगा। मैं अभी डॉल्फिन एमुलेटर का लेटेस्ट वर्जन यूज़ कर रहा हूँ, तो उसको चेकआउट कर लो। डॉल्फिन एमुलेटर की आप ऑफिशियल साइट पे चेक कर लेना, लेटेस्ट वर्जन है डॉल्फिन एमुलेटर का, उसके अंदर GPU ड्राइवर का अपडेट है। तो जिनके पास क्वालकॉम स्नैपड्रैगन डिवाइसेस हो, GPU ड्राइवर अभी नया है 23.3, उसको आप चेक कर सकते हो यहाँ पे। और इसी GPU ड्राइवर को आप स्काईलाइन, यूजु, जिनमें भी Vita3k, जिनमें भी ड्राइवर यूज़ किए जा रहे हैं, आप ये GPU ड्राइवर उसमें भी यूज़ कर पाओगे। बाकी तो मैं यहाँ पे अपडेट दे दूंगा कैसे वर्केबल है। एक्जीनोस, माली, GPU, MediaTek, डायमेंसिटी, जितने भी डिवाइसेज हैं जिनमें GPU ड्राइवर शो नहीं हो रहा है, तो उसमें ये वर्क नहीं होने वाला है। आप यहाँ पे परफॉर्मेंस चेक कर लो। Round one. Fight!
make an atoll. Little more than sand, trees, and a small Japanese village. You think because you say nothing. You are strong? Samawa tsuyokunai. Gojo na yatsume. Hello. A fucking thing. Dehei doma minna kou nano ka? Grab a rifle. We're gonna tear this place apart. Roebuck, signal the strike team. We are go! Heya! Thank you.
Hey, yeah!